हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इलाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। चेक कंपनी होम क्रेडिट झारखंड में करेगी निवेश। चेक गणराज्य की जो कंपनी है होम क्रेडिट, उसने झारखंड में निवेश करने का फैसला किया है। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री ने चेक रिपब्लिक के ब्रैनो शहर में आयोजित इंटरनेशनल इंजीनियरिंग फेयर MSV 2017 में शिरकत की। देखते हैं अगला पॉइंट। झारखंड में शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं अमित शाह, उन्होंने बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत शहीदों के गांव में पक्के मकान, शुद्ध पेयजल, बिजली, शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं का संपूर्ण विकास किया जाएगा। अगला पॉइंट है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल साक्षरता अभियान आरंभ किए जाने की घोषणा। राज्य सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान आरंभ करने की घोषणा किया है। इस अभियान के तहत साक्षर होने वाले लोगों को एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें डिजिटल से संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड का पहला हॉकी अकादमी कहाँ खोला जाएगा, तो वो है रांची में। हाल ही में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कितने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है, सही जवाब है 3। हरियाणा में आयोजित सूरज कुंड मेला में थीम स्टेट कौन सा राज्य बनाया गया था, तो वो झारखंड को बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड किसानों हेतु एकल खिड़की सुविधा केंद्र वाला देश का प्रथम राज्य बना है। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर कुमार सिंह के अनुसार किसानों को एक ही जगह पर कृषि कार्य से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करने हेतु राज्य एकल खिड़की सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है, झारखंड कैबिनेट ने धर्मांतरण विधेयक 2017 को मंजूरी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। अब सरकार इस बिल को विधानसभा में पेश करेगी। अगला पॉइंट है, झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई पेंशन नीति लागू करने की घोषणा की है। पारिवारिक पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह मिलने वाली अधिकतम जो राशि पहले 300 रुपये थी, उसको बढ़ाकर पारिवारिक पेंशन योजना भुगतान के लाभुकों को अब 500 रुपये का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। कैबिनेट की बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हेतु 200.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना है। देखते हैं अगला पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में गंगा नदी पर बने पुल का शिलान्यास किया। झारखंड प्रदेश को गंगा पुल और नए रेल मार्ग से जोड़ने से राज्य में विकास की गति तेज होगी। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के बीच की दूरी कम होगी। साहेबगंज मनिहारी पुल के माध्यम से झारखंड समस्त पूर्वी भारत से जुड़ जाएगा। ऑनलाइन नक्शा पास कराने वाला झारखंड राज्य का पहला नगर पंचायत कौन सा है, याद रखिएगा बुंडू पंचायत। झारखंड राज्य का नया लोक आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, DN उपाध्याय। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।